Experience the excitement live. Catch every thrilling moment of me. 9 मई वाकयात शेख रशीद के खिलाफ वासक कयूम, सदाकत अबासी और उमर तनवीर भट्ट वादा माफ गवाह बन गए। साबिक चेयरमैन पीटीआई और शेख रशीद के खिलाफ 9 मई मुकदमात में साबिक स्पीकर पंजाब असेंबली वासक कयूम, साबिक मेंबर कौमी असेंबली सदाकत अबासी और उमर तनवीर भट्ट वादा माफ गवाह बन गए। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी में साबिक चेयरमैन पीटीआई और शेख रशीद के खिलाफ समाअत हुई। पुलिस ज़राए के मुताबिक वासक कयूम, सदाकत अबासी और उमर तनवीर भट्ट वादा माफ गवाह बन गए हैं। तीनों रहनुमाओं ने अदालत में 154 का बयान रिकॉर्ड करा दिया है। NA 53 में तहरीक इंसाफ की हमारी याफ्ता अजमल सावर भी शेख रशीद के खिलाफ वादा माफ गवाह बन गए हैं। उनका कहना था कि 6 मई को लाल हवेली में इजलास में 9 मई की प्लानिंग की गई। वाजह रहे कि अजमल सावर भी पुलिस की हिरासत में है। वादा माफ गवाहों ने अपने बयान में कहा कि 9 मई की प्लानिंग में शेख रशीद, राजा बशारत, राशिद शफीक, एजाज खान जाजी, राशिद हफीज और बानी पीटीआई की ईमा पर की गई। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी ने साबिक चेयरमैन पीटीआई और शेख रशीद और राशिद शफीक को 6 फरवरी को तलब कर लिया है।